हाँ चलिए, तो दोस्तों नेचुरल फार्मिंग में एक और कदम हमारे जो अरुण भैया हैं ये हमारे लिए मतलब प्रेरणा रहे हैं, सदैव शक्ति रहे हैं। और अरवल में बिहार के अंदर इन्होंने जो क्रांति लाया है हर तरह से, चाहे बर्मिंग बेड बनाना हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग करना हो, चाहे ताइवान की पपीता को नेचुरल फार्मिंग करना हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, अलग अलग तरीकों से, चाहे केला का G9 मालभोग, अलग अलग वैरायटी के कामों को करके इनको तो सम्मान देना चाहिए सरकार जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तो ऐसे ही इनका नाम ऊपर जाएगा तो ज़रूर एक ना एक दिन कुछ बड़ा होगा इनके साथ। तो सर आज हम बात कर रहे हैं जो बर्मिंग बेड है, जो बर्मिंग कंपोस्ट बनता है, सबसे पहला कार्रवाई इसमें क्या करते हैं सर, क्या इसका सिस्टम है बनाने का? कम से कम 20-30 दिन का गोबर रहना चाहिए, मतलब सूखा हुआ गोबर होना नहीं चाहिए। सूखा हुआ नहीं रहे, जैसे गोबर इकट्ठा कर दिए ना जी, तो उसको 20 दिन गैस, मीथेन गैस निकल जाना चाहिए, ठंडा गैस निकालना, ठंडा गोबर, ठंडा गोबर, हाँ ठंडा गोबर अगर हो गया जी तो कम खर्च में बता रहे हैं जी जी। मेढ़ा हम देखिए मिट्टी से बनाए हैं, ऐसे मेढ़ा बना दिए, पोलोथीन डाले हैं जी, और उस पर बर्मिंग गोबर डाल के चेहरा छोड़े, सबसे आसान पत्ती सब कुछ बनाने का, इसमें कोई पैसे नहीं है ना। 500 के चमकी लिए, 4 गो बेड बन गया, 500 के चमकी पर 4 गो बेड बन गया, तो इसमें क्या खर्च? ये मेढ़ा पहले ऐसे बना दिए, हाँ साइड से, और यहाँ गड्ढा बना दिए, हाँ इसके ऊपर ऐसे पोलोथीन लगा, पोलोथीन इसका अभी उठ गया है जी जी, बर्मिंग कंप्लीट हो गया, तेजी से अभी पपीता उपीता चाहे और धनिया हुआ, मूली हुआ, ये सब में डाले हैं जी जी, तो इतना अभी चेहरा बचाए हैं, अभी बेड तुरंत उधर तैयार कर रहे हैं, 2-3 दिन में उधर भी चल जाएगा, तो चेहरा उस पर चल जाएगा, इसमें नया में अभी गोबर डाल के चेहरा छोड़े हैं जी, और पुआल से ढक दिए। सर ये चेहरा या केचुआ जो बम्स होते हैं ये कौन सी वैरायटी या कौन सी नस्ल का हो है आपके पास? देखिए वो तो लिखा हुआ है दिमाग में, इतना ना है जी जी, बड़ा अच्छा वैरायटी, छोटा छोटा रहता है, देखिए जी जी जो चेहरा होगा, देखिए ये देखिए थोड़ा सा आइए बाबू एक सेकंड आगे, केचुआ को आप देख सकते हैं, ये देखिए केचुआ यहाँ पे कितने सारे हैं, बस सर बस धन्यवाद, ये देखिए कितना छोटा छोटा बहुत ज्यादा मात्रा में केचुआ है, और सर ये इसके अंदर क्या आपने जो है परिवार को वृद्धि भी करता है या उतना ही रहता है? नहीं, बहुत जन्म देता है बच्चा, जन्म देता है बहुत बहुत, तो बहुत, मतलब बहुत। एक बार आप लाए हैं तो फिर दोबारा आपको इसी अब से क्या सब... अब तो नहीं, अब तो हम बेच सकते हैं, अब बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं, अब ही भर बेड पर डाल देंगे ना जी, इसके बाद तो हम बेच सकते हैं ना, तो केचुआ का वृद्धि भी आप कर लेते? बहुत बहुत, हम 10 किलो लाए थे, 15 किलो जी जी, और हम बहुत कर दिए, और कुछ दोस्त को दिए हैं, जहाँ जहाँ कहाँ के मैं किलो 2 किलो लोग ले गए जी जी, तो इसमें भी हमारा डाला हुआ है सर, सबसे पहला जो है जी सर, देखिए इसमें भी गोबर, इसमें भी नया गोबर का जो डाला हुआ है, और मोटा मोटी काफी बन गया है, देख सकते हैं बाबू, थोड़ा नजदीक आके दिखाओ कैमरा से वाला, देखिए ये देखिए कैसे केचुआ निकल रहा है, नया खा रहा है, सब तैयार है और खार बना रहा है, पूरा भींज गया है ना बरसात से जी, देख रहे हैं ना जी जी, सब तैयार है। तो सर इसके ऊपर ये ढकने का क्या प्रोसेस है, मतलब इसका कारण? मॉइस्चर तो बनना चाहिए ना, नमी तो रहना चाहिए, नमी होना चाहिए, सूख जाएगा तो केचुआ को भोजन कहाँ से करेगा? तो सर अगर मान लेते हैं कि आपने बेड लगा दिया, ठीक है, बेड के बाद पहला परत में क्या केचुआ डालते हैं या गोबर? नहीं गोबर, ऊपर से केचुआ, ऊपर से केचुआ डाल, हाँ वो पुआल दे दी, वो अपना केचुआ अंदर पूरा सेकंड में उछल जाता है गोबर के अंदर, बस इतना ही, बस इसका सिस्टम, नहीं करना कुछ, करना नहीं है, और गर्मी के दिन में पानी तो थोड़ा थोड़ा देना फुहरा, गर्मी सिंचाई वाला इसी के लिए लगा है, एक डायरेक्ट पाइप लाएंगे जी जी, पानी छिड़कने के लिए भी ठीक हो जाएगा। तो ये था सर के साथ एक बड़ा ही शानदार जानकारी, फायदा हो गया कि अभी बताए ना जी कि हम कद्दू करेला भिंडी सबके बीज घर ही तैयार कर लिए जी जी, तो 15 दिन ही आकाश हो गया। तो सर इसका इस्तेमाल पौधा में कौन से पौधा में करेंगे? जब सारा पौधा में करते हैं, सारे में टोटल पौधा में करते हैं, केला पपीता लौकी अभी अलुआ हम दिखाएंगे, मैंने चलते हुए सब देख लीजिएगा जी, कुंदना बनाना है सबसे पीछे जी, अभी 1 महीना हुआ है अलुआ लगाया है, गांव के लोग कह देंगे बड़ा ये दिमाग दौड़ाते हैं जी, अलुए का बाद में अब गांव के कहते हैं अरे बाप रे अभी तो इसमें गाँव में अलुए नहीं है ना, हाँ मात्र 2 बोरा 2 कट्ठा में बर्मिंग कंपोस्ट छींटे जी, जाके देखिए अलुए इतना मोटा मोटा अलुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास का है। तो दोस्तों एक कहावत याद आता है कि समंदर में रेत का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, तो गांव के लोग ऐसे ही बस मजाक करते रहने वाले हैं, रोते रहते हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और जीतने का हौसला अगर इनके तरह हो तो कोई भी आके समंदर बन सकता है। सही सही बात,
इनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि जिस तरह से भगवान आज 20 आदमी आलोचना करे, 100 आदमी आलोचना करे वाला हमको मिल जाए जी, ताकि और हम अपन काम में ध्यान दें। इतना बड़ा क्रांतिकार आप तो चाहते हैं कि पूरा लोग आलोचना करे, जिला स्तर पर आलोचना हमारा करे जी, सबसे अच्छा जिला स्तर। हाँ, ज्यादा सीखना है तो खूब आलोचना करवाइए, तभी आगे बढ़ते, तभी आगे बढ़िएगा, करिए आलोचना, ठोकर बहुत खाएंगे नहीं तो। हाँ, बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं, अब लोगों को ज्ञान सर इतनी छेद में आप बाबू कुंवर सिंह तेजवा बहादुर, हम अगर कई साल बच जाएंगे ना, अगर बहुत अवस्था गिर जाएगा तो ये मन तो हमको नहीं बोले, मन से शक्ति मान, मन से और यही बदलाव के कारण, यही बदलाव के कारण। तो कुंवर सिंह की तरह ये अकेले लड़ रहे हैं, बहुत लोग कहता है अकेला संघर्ष किए हैं इस गांव में, इतना एज में बाप रे बाप 150 लीटर दूध अकेले निकाला, हमारा कुछ भी हो गया नहीं करता, 150 लीटर अकेले ही निकाल रहे, 160 तरफ है अभी काका अकेले निकालता, ये इनका कर्तव्य और निष्ठा और प्यार देख सकते हैं कितना ये इंसान कर्मठ है, और इनके ज्ञान और इनके शक्ति को हम वर्णन क्या करें, और दुनिया देख रहा है और भी लोग देखेंगे, और आपका ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद इनके प्रति बना रहे, मेरे प्रति नहीं, सारा काम इन्हीं का है, इनको क्रेडिट जाना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद।